देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएमओ ने ट्वीट कर दी जानकारी, तो पीएमओ इंडिया की तरफ से जानकारी दी गई है, 5 बजे करेंगे संबोधित। तो आज बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। पीएमओ ट्विटर हैंडल के जरिए ये ट्वीट किया गया है और इस बात की जानकारी दी गई है कि 5 बजे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। जब भी पीएम मोदी का इस तरह का कोई संबोधन होता है तो यह अटकलें लगानी शुरू हो जाती है कि जरूरी हो सकता है कि किसी बड़े संदेश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने रूबरू होंगे और इस बार भी वो 5 बजे संबोधित करने वाले हैं पूरे देश को। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन बहुत अहम हो जाता है कि कोरोना का वक्त चल रहा है और जिस तरह से परिस्थितियां उसको लेकर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी बड़ी बात को लेकर देश के सामने उपस्थित होंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे। पीएमओ ट्वीट के जरिए, ट्विटर के जरिए, पीएमओ ट्विटर हैंडल के जरिए यह ट्वीट कर जानकारी दी गई है। तो वहीं बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी गलियारों में गर्मी ज्यादा बढ़ गई है। सीएम योगी को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है उसे भी कई लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी और सीएम के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बीच यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी का फोटो नदारद दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी की फोटो बीजेपी मध्य प्रदेश, बीजेपी हिमाचल प्रदेश, बीजेपी उत्तराखंड, बीजेपी उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से भी गायब है। चलिए सुनाते हैं कि इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश के जो पोस्टर है भाजपा के जो लगे हुए थे इनके जो मीडिया के साथ थे, सोशल मीडिया पे जो प्रचारित होते थे, देखकर ताजुब हो रहा है। उसमें योगी जी के पोस्टर में नहीं है अब अमित शाह और मोदी जी। खैर, पोस्टर में कौन रहे कौन जाए इससे हमसे मतलब नहीं, ना हमें कुछ कहना है इस पर। ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, पर ये जरूर करना चाहूंगा, राधा मोहन जी को जो प्रभारी हैं, आप तो कह रहे हैं सब ठीक ठाक, क्या यही सब ठीक ठाक है? पर हमें इतना तो बता दिए राधा मोहन जी कि 4 दिन 5 दिन जब सब ठीक ठाक था तो किस चीज का मंथन चल रहा था। अच्छा चलिए, ये दो हट गए तो कौन से दूसरे लगने जा रहे हैं वो तो बता दीजिए। आप आए हैं तो कुछ तो कहिए ना, इतने डरे सहमे से क्यों है? मैं सिर्फ ये चाहता हूं, आपके संगठन का मामला है, आप चलाएं, जो भी होगा वो आपका आंतरिक मामला है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। पर मैं एक चीज जानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, जिस दिन चुनाव होगा उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सत्ता से बेदखल हो। इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ चल रहा है बीजेपी के बीच, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, क्या लगता है बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए, दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार बचाने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। जितना बड़ा जनमत भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया, लोगों ने अपनों को खोते हुए देखा, लोगों को इलाज नहीं मिला, तो तमाम सारे हालात है। तो भारतीय जनता पार्टी अब बिखरते हुए जनाधार को समेटने के लिए शीर्ष नेतृत्व काम कर रहा है, गोद लेना और फिर सारी चीजें सामने हैं इनके।
अनाथ कर देना, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा रही और यही कारण है कि बिखरते हुए जनाधार को समेटने की भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। ये ब्लू टिक में लड़ रहे हैं मगर आम आदमी को वैक्सीन चाहिए, ये ब्लू टिक में परेशान है भारतीय जनता पार्टी। तो अगर सब कुछ ठीक है तो कम से कम सरकार को बताना चाहिए। अब इस प्रस्ताव का जिस तरह से माहौल है, ये उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा जनमत योगी सरकार को दिया। योगी सरकार सवा चार साल से मुख्यमंत्री है, योगी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को सुरक्षा मिले, लोगों को न्याय मिले, लोगों को रोजगार मिले, मगर यहाँ तो वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। भारतीय जनता पार्टी ब्लू टिक के चक्कर में पड़ गई है। तो सबसे कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती आ रही है, और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में जनसेवा करना अपराध हो गया है। जनसेवा कोई करेगा, अगर सवाल पूछ लेगा तो मुकदमा लिख दिया जाएगा। ये योगी सरकार है तो सब कुछ ठीक नहीं है। बिखरता हुआ जनाधार और खोता हुआ विश्वास बचाने के लिए अब शीर्ष नेतृत्व और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है। लेकिन ट्विटर के बीच जो भी गाइडलाइंस को लेकर जो बवाल चल रहा है, अगर आपकी भी सरकार होती और इस तरह की कोई कृत्य होता तो उस पर कार्रवाई करनी और जरूरी चीजें करनी इस समय अनिवार्य हो जाता है ना? आज देखिए किस देश में किसकी जरूरत है। किसानों की आंखों में आंसू है, नौजवान रो रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीजों पर बात क्यों नहीं हो रही है? अरे ट्विटर बाद में कर लेंगे, लोगों को वैक्सीन चाहिए, लोगों को इलाज चाहिए, किसान कितने शहीद हो गए उनकी जिम्मेदारी तय करिए, तीन काले कानून रद्द करिए, ये जिम्मेदारी और जवाब दिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में दिखना चाहिए, अरे ब्लू टिक मिल जाए, नीला टिक मिल जाए, ये बात तय हो जाएगा, पहले देश तो बचे। जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है? बिल्कुल जवाबदेही बनती है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां हम देख रहे हैं और जिस तरह का ऐलान किया गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही आगे चुनाव लड़ा जाएगा, तो कुछ सोच समझ के ही ये चीज की होगी। कार्यों को मद्देनजर रखते हुए क्या आपको लगता नहीं अगर सीएम योगी का चेहरा एक बार फिर से सामने ला रहे हैं उत्तर प्रदेश में? तो देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया सवा चार साल में, सड़क से लेकर जेल तक आदमी सुरक्षित नहीं है। आज एक नई कहानी और पेश की है कि जो गांव गोद लेंगे सांसद और विधायक। मैं याद दिला दूं आपको कि प्रधानमंत्री ने भी सारे सांसदों ने गांव गोद लिए थे 2014 में, उनका क्या हुआ? अगर वहां भी एक एक हॉस्पिटल बन जाता उन गांव में सीएससी और पीएससी तो लोगों को इलाज मुहैया हो जाता। ऐसे लाशें नहीं मिलती गंगा किनारे। तो गंगा पुत्र को उत्तर प्रदेश की जनता ढूंढ रही है और अपने आप को ठगासा महसूस कर रही है। तो अब बिखरता हुआ जनाधार और खोता हुआ विश्वास को बचाने का भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट सामने नजर आ रही है। आज चुनाव हो जाए, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। वो तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है कि क्या चीज आगे जनता किसे चुनती है, क्योंकि जनता जिसका जनाधार करती है उसी से ये तमाम चीजें उत्पन्न होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस प्रवक्ता अशोक, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सीएम और पीएम के बीच जो स्थितियां हैं वो ठीक नहीं चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ चीजें जिस बीच बीजेपी के ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी का फोटो नरारत दिखाई दिया, उसी को लेकर तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता निशाना साधने में कांग्रेस और सीएम योगी को पीछे नहीं हट रहे हैं। लखनऊ में अवंती बाई महिला चिकित्सालय में ऑल विमेंस वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं, जिसका जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने जायजा लिया। सारी व्यवस्थाओं का जिलाधिकारी ने अच्छे से निरीक्षण किया। बता दें कि ऑल विमेंस वैक्सीनेशन बूथ को पिंक बूथ भी कहा जाता है, यहाँ पर सिर्फ महिलाओं को ही टीका लगेगा। तो आज जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने पिंक बूथों का जायजा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद ये पिंक बूथ बनाए गए हैं जहां पर सिर्फ महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा, इसका जायजा ले रहे आज अभिषेक प्रकाश पहुंचे थे और उन्होंने तमाम वहां पर मौजूद लोगों को निर्देश भी पारित किए हैं। दो केंद्रों पर पिंक बूथ का संचालन आज प्रारंभ हो चुका है, जिसमें एक शहरी क्षेत्र में डबलिन अस्पताल में है। ये इस केंद्र पे हमारे दो बूथ हैं, जिसमें एक 18-44 वर्ग के और दूसरा 45+ एज ग्रुप कैटेगरी का है। 18-44 में आपको रजिस्ट्रेशन एवं स्लॉट बुकिंग कराने के बाद आना है और 45+ में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी जा रही है। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में भी एक केंद्र बनाया गया है जो कि मोहनलालगंज तहसील में है। 100% इसकी खासियत ये है कि इसमें 100% जो हमारी महिला कार्मिक हैं, जो हमारी डॉक्टर्स हैं या जो हमारी टीकाकरण के स्टाफ नर्सेज हैं, उनके द्वारा ही ये 100% संचालित किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से सभी मातृशक्ति को नमन भी करूंगा और ये अनुरोध भी करूंगा कि इस बूथ का आकर के अपना 100% लोग अपनी स्लॉट बुकिंग।
यूपी के गोरखपुर में कुख्यात डॉन खान मुबारक के करीबी शार्प शूटर परवेज को एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। परवेज पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित था, जो अंबेडकर नगर जिले के बसपा नेता जुर्गाम मेहंदी हत्याकांड के आरोप में फरार चल रहा था। इसके पास से एक 32 mm पिस्टल, 5 राउंड और 1 9 mm पिस्टल, 3 राउंड, 500 रुपए कैश और एक बैग जिसमें जरूरत का सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि उक्त अपराधी पर हत्या और हत्या के प्रयास में के दर्जनों मुकदमे थाना अलीगंज और हंसवर थाने में पंजीकृत है। आजमगढ़ के बरदहा थाना क्षेत्र में अनियंत्रित प्राइवेट बस पुल से जाकर टकरा गई। बस में सवार करीब 35 लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहां से 6 लोगों की हालत गंभीर देख उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जबकि अन्य का उपचार पास के ही प्राथमिक अस्पताल में किया गया। आजमगढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज और मंडली अस्पताल सहित 5 अन्य सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसका निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। जिस पर मंडली अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि मंडली अस्पताल में लग रहे ऑक्सीजन प्लांट का 70% कार्य पूरा हो चुका है और 15 से 20 जून के बीच ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा, जिससे मरीजों को बाहर से ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी और गंभीर मरीजों को भी राहत मिलेगी। योगी जी की योजना के अनुसार इस आजमगढ़ जनपद में 7 ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं, जो मेडिकल कॉलेज में, हमारे जिला अस्पताल में तथा 5 CMO के अधीन आने वाले अस्पतालों में लगाए जा रहे हैं। इनका निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है और उम्मीद है कि 15 से 20 दिन के अंदर ये प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर। औरैया के बेगुना कोतवाली क्षेत्र के लोहा मंडी बाजार में स्थित हार्डवेयर व्यापारी के घर पर एक अज्ञात बदमाशों के द्वारा असलहे के दम पर की गई लाखों रुपए की लूट की घटना में नया मोड़ आ गया है। पीड़ित परिवार की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सच्चाई कुछ और ही सामने आई। पीड़ित व्यापारी के पुत्र ने बताया कि तो बदमाश गन पॉइंट पर परिजनों को बंधक बनाते हुए 25,00,000 रुपए नगद रखे हुए जेवरात लूट कर ले गए थे। इस घटना पर एडिशनल SP शिष्यपाल ने बताया कि पीड़ित व्यापारी के द्वारा बताई जा रही घटना किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं हो रही और सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है, जिसका जल्द ही खुलासा किया जाएगा। जैसे ही मम्मी ने कुंडी खोली तो पीछे से एक दूसरा आदमी ने मम्मी को रिवॉल्वर लगा दी। अंदर आई दादी लेटी हुई, उनने तुरंत दादी को पकड़ा। पापा दवा खा के यानी कि सो रहे थे, यानी कि तो पापा ने जैसे ही एकदम उठे और कौन तो उन्होंने पापा के आँख पर घूसा मारा और दादी को एकदम कहा ये बढ़िया कहाँ माल है। अब तक उनके 2 आदमी हमारे बगल वाले कमरे के लिए आए, वहाँ पर उन्होंने देखा, वहाँ हमारा गुलदस्ता रखा और गुलदस्ता को उन्होंने फेंक के मेरे सर पे मारा और मेरे स्टोर रूम में अंदर आके मुझसे चाबी से खुलवाया और कहा नहीं खोलोगे तो मार देंगे। मेरी जो भी ज्वेलरी थी, मेरी दादी की पुश्तैनी ज्वेलरी थी, वो ले गए हैं और मेरा 24 से 25 लाख के का। कन्नौज में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। एक महिला ने अपने ही पति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या के बाद महिला बच्चे को छोड़कर फरार हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है और शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं इस घटना पर अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि आरोपी महिला मानसिक विक्षिप्त थी। घटना के बाद वो फरार हो गई और जल्द ही गिरफ्तारी कर घटना का खुलासा किया जाएगा। रायबरेली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने सलोन सर्किल के थाना क्षेत्र में वांछित चल रहे अपराधियों का खुलासा किया है, जिसमें सलोन के प्रधान को गिरफ्तार किया गया है, जो गैंगस्टर अधिनियम के तहत इनामी अपराधी था। उस पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत था। इसके पास से पुलिस ने अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस सहित कई सामग्री बरामद की है।
तो वहीं अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि मिशन ऑल आउट के तहत जनपद के अपराधियों की धरपकड़ तेज की जा रही है। किसी भी स्थिति में अपराधी जनपद के शांति व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे। यदि ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए सीधे जेल भेजा जाएगा। कल रात पुलिस अधीक्षक रवरेली महोदय द्वारा जनपद में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था, जिसके तहत सभी थाना अध्यक्षों को सभी क्षेत्राधिकारियों पर विभिन्न स्थानों पर जो संदिग्ध स्थान होते हैं जहाँ पे आमतौर से बदमाशों का मूवमेंट होता है वहाँ पर चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में थाना अध्यक्ष सलोन द्वारा दो अच्छे अपराधियों को पकड़ा गया, जिसमें से एक शत्रुघ्न अमित पासी है जिसके ऊपर 10,000 रुपये का पहले से इनाम था और वो यही रजिस्टर में मानसिक भी था। इसके ऊपर करीब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।